ये क्या किया? यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है दवाओं को? जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, मैं दवा खाऊं। उठाओ इसको यहाँ से, वानिया नाराज होती है, हुरैन छेड़ती आके दवाओं को। अम्मी हुरैन ना बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, इसने तो ये दवाइयां खा लेगी। आप ही बिना वजह परेशान होती रहती है। राबित, हेलो हेलो राबेल, हेलो बेटे, आवाज आ रही है? मैं ठहरो एक सेकंड बेटे, एक सेकंड ठहरो। हेलो समीर, जल्दी गाड़ी चलाएं, तो बेहोश हो गई है। समीर जल्दी चलाएं, जल्दी लेके चले। बेटा कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? राबेल भी नहीं उठा रही, भाभी जान भी नहीं। बस थोड़ी परेशानी में रहे इसलिए बात नहीं हो सकी। अच्छा क्या क्या हुआ है? तो पहले अब्बे की तबीयत खराब थी, फिर ने अम्मी की दवा खा ली। सन दवाई खा ली? पता नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, समझदार है, फिर भी कैसे खा ली कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद भाभी उसे बहुत मेडिसिन देती रहती हैं, इसलिए उसके दिल में तजस्स पैदा हुआ हो। घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बहुत परेशान है। बेटा तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, हैं? तुम बहादुर हो, तुमने अपना दिल छोटा नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इसका यकीन रखो तुम। कहाँ जाते जान, अम्मी मुझे सख्त कहती हैं, मैं तो घर में बस एक फजूल सा पुर्जा हूँ जो किसी का नहीं होता। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हें पता है अरमान इतनी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। अच्छा क्या कह रहे थे? वो बता रहा था उस दिन जब तुम घर पे अकेली थी ना हुरैन के साथ, कहते क्या अच्छी मेहमान नवाजी की है। कहाँ मेहमान नवाजी की, खाना तक तो खाया नहीं उन्होंने। तो तुमने कुछ नया बनाकर उसको ट्राई नहीं करवाया? लेकिन मैं क्या बना सकती हूँ? तुमने मुझे तो बताया था तुमने कोई नई रेसिपी सीखी है, नाम भूल गई हूँ। हाँ चिकन गार्लिक, मैंने नेट पे उसकी रेसिपी देखी थी। हाँ तो ठीक है वो बनाओ, और शायद संडे के दिन, क्योंकि छुट्टी होगी ना उसकी दफ्तर से। हाँ और उस दिन उसको बुला लेना, फिर वो आ जाएगा खा लेगा। चलिए ठीक है। अच्छा मैं रखती हूँ, और ज़रा सोचो संडे के दिन कोई प्लान बनाओ ना। हाँ संडे को मूवी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।